हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ यार प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एमेड एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 7 का अध्याय 5 है, जिसका नाम है जल, ज्योग्राफी का, भूगोल का। तो शुरू करते हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात यानी वाटरफॉल, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। तो बच्चे क्या है, वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव क्या तैर कर बहुत खुश होते हैं, और दोपहर तक गड्ढे में क्या है, जमा जो जल है वो गायब हो जाता है। तो वह जो जल है वो कहाँ चला जाता है? और सूर्य के ताप के कारण जल क्या है, वाष्पित हो जाता है, और ठंडा होने पर जलवाष्प जो है वो संघनित होकर बादलों के का रूप ले लेती है, और यहाँ से यह वर्षा क्या है, हिम तत्व जो सहिम वृष्टि है उसके रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरती है। साइड में है थलशाला शब्दावली। तो यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है थलशाला। आगे है क्रियाकलाप, अपनी थलशाला बनाइए, एक्वेरियम थलशाला बनाइए। तो एक बड़े जार के एक चौथे जो भाग है उसमें मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें, और इसके ऊपर जो है ह्यूमस की एक पतली परत लगाइए, और पहले क्या है, सबसे बड़े जो पौधे हैं लगाइए, और तदुपरांत यानी उसके बाद उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें, और उसमें क्या है, जल की फुहार छिड़कें और जार को बंद कर दें, और पत्तियों एवं मिट्टी के साथ द्वारा वाष्पित जो जल है वो संघनित होकर जल की जो बूंदों के रूप में वो नीचे गिरता रहेगा। अब जिस प्रक्रम में जल जो है लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों एवं उपस्थित जो है उपस्थित था शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजोन नदियों में बहता हो। और एलवन जल के मुख्य जो स्रोत हैं वो नदी है, ताल है, और सोते एवं हिमनाद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जो जल है वो लवणीय जल होता है, और उसमें अधिकांश ज़्यादातर जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो जल चक्र दिखाया गया है चित्र 5.1 में। इसमें दिखाया गया 5.2 में विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां दिखाई गई हैं। आगे क्या आप जानते हैं, लवणता जो है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, और महासागर की औसत जो लवणता है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी 35%। जल का वितरण, हम जो है वो सभी हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है उसका 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, और यही क्या, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की जो कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? जो क्या पृथ्वी पर मौजूद जो संपूर्ण यानी सारा जो जल है हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल जो वितरण है उसका प्रतिशत दिया गया है। तो जो महासागर है उसमें 97.3% जल पाया जाता है। जो बर्फ के छलक होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, उसमें 2%। जो भूमि के अंदर जल होता है वो 0.68% होता है, और झीलों का जो एलवन जल होता है वो 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं जो नमकीन झीलें होती हैं वो 0.009% होती हैं। वायुमंडल के अंदर 0.0019% का जल पाया जाता है, और नदियों के अंदर 0.0001%, टोटल मिला के 100%। क्या आप जानते हैं इसराइल के जो मृत सागर है उसमें 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवण होती है, और तैराक जो है इसमें लव सकते हैं, और क्योंकि नमक की जो अधिकता है इसे सघन बना देती है। साधारण क्रियाकलाप है उसके द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप, 2 लीटर जल लें और मान ली है पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, और बर्तन से 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें, और बर्तन से जो जल निकालने के बाद जो शेष जल बचा है वो लवणीय जल को दर्शाता है, और जो महासागर एवं समुद्रों में पाया जाता है। यह क्या है, यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और यह लवणीय जल यानी नमक युक्त जल कहलाता है। कटोरे से निकाल कर रखा गया जो 12 चम्मच जल है पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण एलवन जल की मात्रा को दर्शाता है, और चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है, और आप स्वयं देख सकते हैं कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो दिखा रखा है 1 बूंद यानी 1 नदी।
जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है और प्यासे होने पर केवल जल ही जो है हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या क्यों ऐसा नहीं लगता है कि जो लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। चित्र में दिखाया गया है हम जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और जल संरक्षण की कुछ विविध सुझाव दिए हैं अपने घरों में कैसे करना और स्कूल में। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब जल जो संरक्षण है उसकी विभिन्न जो विधियाँ हैं विधियों को प्रबलित किया जाता है कि कैसे उनको संरक्षण करना है। महासागरीय परीक्षण चरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। कुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन और समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। जो ताल हैं एवं जो झील हैं उनके शांत जो जल है उसके विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता और महासागरों की जो गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे कि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं और जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिरने लगती हैं तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंग के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है और जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है इस तो इन्हें क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तो तरंगे दिखाई गई हैं चित्र 5.4 में। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है और इसके कारण क्या है, अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या फिर जल के नीचे का जो भूस्खलन है उसके कारण महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वारी तरंगे हैं वो उठ जाते हैं जिन्हें सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल जो सुनामी है वो 150 मीटर मापा गया है और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से अधिक की गति से चलती हैं और 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या आप जानते हैं सुनामी जो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, यानी क्योंकि सुनामी क्या है, आने पर पोत का आश्रय जो क्या है नष्ट हो जाता है। सुनामी पृथ्वी का तांडव, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ और ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्री तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। यह इस कारण का जो भूकंप है वो आया इस कारण यह भूकंप आया और महासागरीय तल क्या है लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की जो दिशा है उसमें झुक गया और इस विस्थापन के कारण निर्मित जो अंतराल है उसको भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा और फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल क्या है हटने लगा और भारतीय प्लेट के बर्मा को प्लेट के नीचे चले जाने पर जल क्या है वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप जो हैं वो पूर्णतः क्या है डूब गए। तो भारतीय जो सीमा है उसका धुर दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें स्थित है पूरी तरह से डूब गया और जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने लगी। साथ साथ इसकी जो गति है इनकी गति भी 700 से 900 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई और समुद्री तट से जो सुनामी है वो तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1,00,000 से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए सबसे ज़्यादा। यद्यपि जो पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है
फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं और प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप क्रिया बहुत कम होती है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा विनाश। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटियों पर तबाही मचाई वह पिछले कई 100 वर्ष की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विनाशकारी सुनामी थी। और हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की जो प्रणालियां हैं एवं हिंद महासागर के जो तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति नुकसान हुआ। सुनामी जो है आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों में जल में तेजी में कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे और इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ज्वारभाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वारभाटा कहलाता है, और जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निकटतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है उसे भाटा कहते हैं। तो दिखा रखा है ज्वार और भाटा, लघु ज्वार भाटा और बृहत ज्वार भाटा। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं, और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल क्या है अभिकर्षित होता है, और जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य जो है चंद्रमा एवं पृथ्वी 3 एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊँचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को वृहत ज्वार कहते हैं। लोग जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दश में होते हैं तो लेकिन जब चांद जो अपने प्रथम और अंतिम चतुर्दश में होते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी एवं जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है वो बल के विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप क्या होते हैं ज्वार भाटा आते हैं, निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार को लगभग लघु ज्वार भाटा कहते हैं, और उच्च ज्वार जो होता है वो नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल जो है वो स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जो जहाज़ हैं उसको बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च जो ज्वार मछली है वो पकड़ने में भी मदद करते हैं, और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं और इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। क्रियाकलाप। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें और बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें और दूसरी ओर फ्रिज से निकली हुई बर्फ़ डालें तो एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण करना है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं, और सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, और ठंडी जो धाराएं होती हैं ध्रुवों या फिर उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं, और महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्व तट हैं इसके कुछ उदाहरण हैं। आगे चित्र दिखाया गया है, महासागरीय धाराएं दिखाई गई हैं चित्र 5.6 में। आगे है जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।